हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या है 6 और 7 5 इसका अर्थ होता है तुलना। हम लोग अभी तुलना करेंगे, है ना। और ये तुलना हम लोग दो में करते हैं, एक है दो है। दो में किसी एक का हम लोग गुण को बताएंगे, बस। As or like, ठीक है। इस as का होता है उतना, उतनी उतने, और इसका जितना जितने जितने, और ये लाइक का होता है जैसा या सा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, है ना। तो यहाँ हम लोग यहाँ उतने और जितने की देखेंगे, एज देखेंगे। क्या है मेरी कलम, माय पेन इज, लिखिए एज गुड, एज योर पेन, सिंपल लीजिए एकदम, ठीक है। बिल्कुल एज
प्लस एडजेक्टिव प्लस एस ये होता है। इसके पहले हमारे यहाँ नाउन भी होंगे, नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, जो भी चीज लिखो, और यहाँ भी फिर तुम्हारी में नहीं किया पिछला चीज आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं। यहाँ देखो तुम्हारी कलम, किसी ने आपसे कहा तुम्हारी कलम, ठीक है, मैं तुम्हारी को मिटा दिया, सिर्फ कहा कलम, बताओ किनकी कलम, पता चलता है नहीं। तो ये क्या चीज है, नाउन। कलम एक संज्ञा है जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और इस नाउन के साथ संबंध जोड़ दिया तुम्हारा, या कर दिया तुम्हारी, या कर दिया तुम्हारे, तो बोध होता है कि आपका, आपके बारे में बता रहे हैं। तो जब ऐसा हो, तुम्हारा तुम्हारी मेरा मेरी, तो इसके बाद नाउन आना मस्ट होता है, बिना नाउन का ये नहीं आएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। आप लोग इधर क्लियर है ना, ये इसमें पूरी तो यहां पर हमने इसलिए लिखा, जैसे फर्स्ट में लिखा माय पेन, मेरी कलम, और तुम्हारी कलम, यहां पर योर कर दिया योर पेन, यहां मेरी कलम माय पेन है। प्लस कर दिया योर, यहां प्लस किया माय, माय के साथ पेन जोड़ दिया, ये नाउन है ना, सिर्फ माय नहीं होगा। अब बोलो माय इज एज गुड एज योर, मतलब पता चलता है कुछ। हम लोग यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं, ये चीज हम लोग करेंगे पर्शियन या एनिमल या थिंग की, बस इसी चीज से ना करते हैं हम लोग, हो गया। लेकिन ये भी हमारे दो होने चाहिए, तीन नहीं है ना, दो। अब जब इन चीजों को जब हम लोग नेगेटिव करते हैं, है ना, नेगेटिव में बोलिए, देखिए आप लोगों से कई बार कहा है कि बीच में नहीं बोलेंगे, या पहले बोल लीजिए या फिर लास्ट में बोलिए, ये तो मैं डगमगा जाता हूँ, ठीक है। चलिए बोलिए, हो जाने दीजिए, आप अपनी कॉपी जमा कर देंगे, और जिन जिन को डाउट है अपनी चीज़ों में, वो अपनी कॉपी को जमा कर देंगे नीचे, ठीक है।
बोलते हैं ना ऐसी बात। तो इस उतना के लिए और जितना के लिए हम लोग एज यूज कर रहे हैं। अब किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग? एडजेक्टिव गुण को शो कर रहे हैं। तो इनमें यहां पर ये कौन है? ये पर्सन है और ये कौन है? शेर। ये भी मानो एक पर्सन है ना। तो एक ये हुए, दूसरे ये हुए। तो इन दोनों में किसी एक का ही गुण बताएंगे ना, इसीलिए हम लोग एज यूज करते हैं। हैं दो लेकिन बताएंगे किसी एक के बारे में। पहले लिखो इसका, मैं उतना साहसी हूं। आई एम एज बोल्ड। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जितना एज एक शेर और लायन, खत्म। ठीक है, बस याद रखेंगे कि एडजेक्टिव जब भी आप लिखोगे इसके पहले एज लिखोगे और इसके बाद एज लिखोगे। ठीक है, बस बाकी बना दोगे जो भी है। अब इसी चीज को जब हम नेगेटिव में करते हैं, ये तो हमारा हुआ एसर्टिव में, है ना। जब इस चीज को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, नेगेटिव में यूज करते हैं, तब करेंगे ये एज जो है, फर्स्ट एज जो है, ये चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज होते हैं? आई एम, सो, ये एज को सो कर देते हैं। ये सो बोल्ड, सो बोल्ड एज अ लायन। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग सो कर देते हैं। ठीक, सो यूज कर देते हैं हम लोग। फिर से देखिए इसको, ये लिख लीजिए, मैं क्या करेंगे, आई एम सो साहसी का बोल्ड, बोल्ड जितना एक शेर एज अ लायन। क्लियर हुआ? गौर कीजिए, क्लियर हुआ? क्या छोटा? नॉट छोटा, नहीं, नहीं तो लिखा ही नहीं, नहीं लिखा
तो ये सेंटेंसेस क्या हैं? अभी हमारे अधूरे हैं। यहाँ क्या कर देना, क्या करना होगा? नॉट, आई एम नॉट सो बोल्ड एज अ लायन, ठीक है। वो नाइदर में नाइदर में नाइदर में नाइदर जब लगाते हैं तो नॉट को नहीं यूज करते हैं, है ना? हाँ, फिर देखेंगे उस एक्सरसाइज को। श्याम अपने पिता के जैसा है। कौन है? श्याम है। आगे यहाँ भी दो, फर्स्ट सेकंड आए, है ना? तो इसमें क्या करना है? श्याम के जैसा है। श्याम क्या करेंगे, बोलिए। देखिए बीच में आप लोग को नहीं बोलेंगे, जब मैं लिखूं बीच में मत बोलो, है ना? नहीं तो मैं आपकी चीज लिख दूंगा तो यहाँ गलत हो जाएंगे, ठीक है? चलो कुछ दिन और हैं, ओके? बताओ। आप अपनी चीज अपने पास रखिए, वो बाद में करेंगे हम लोग। क्या चीज है? श्याम अपने पिता के जैसा है, तो श्याम है, इज, ठीक है? श्याम इज, श्याम है अपने पिता के जैसा, तो जैसा को लिखो लाइक, एज एज लाइक किया था ना, तो ये लाइक हो जाएंगे। लाइक अपने पिता, कौन है? सब्जेक्ट कौन है? श्याम। श्याम का क्या होगा? हर या हिज, बताओ क्या होगा जी? हिज, ठीक। हिज पिता का फादर, बस इन चीजों में यही समझना है, बस हो गया, ठीक है? और इसमें कुछ सिंपल बनाओ, ठीक है?